फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा लक्ष्मी नारायण गार्डन से। आज मैं अपने वीडियो में अपने खाद और जो नई बेड़ लेके आई हूँ, गेंदे की, बहुत सारे फ्लावर्स लाई हूँ जो हमारे विंटर के हैं, उनको लगाने के लिए खाद जो मैंने तैयार की, 5-6 महीने पुरानी खाद है। और ये जो हमारे किचन में किचन का निकलता है, गार्बेज निकलता है किचन का, जो हमारे गार्डन की झाड़ू लगाने से जो पत्तियाँ निकलती हैं, बहुत सारा सामान जो वेस्ट होता है, तो सूखी पत्तियों की, वो सब खाद हमने इसमें लिक्विड बना बना के इसमें डाला था। और नीचे से छेद करने के बाद में हमारी ये जो नीचे से पानी निकलता है, वो पानी निकलने के बाद में हमारी वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गई है। और जगह जगह भी मैंने बोरियों में भर के रख रखा था, देखिए बरसात में बोरी भी सड़ गई है, इसके अंदर भुरभुरी सी खाद हमारी तैयार हुई है। और 3-4 बोरियों में मैंने सब जितना गार्बेज होता है उतना मैंने रखा था, और इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। जो हमारा कूड़ा करकट होता है, जो वो निकाल के मैं बोरियों में भरती रहती हूँ, सबसे ज़्यादा पत्तियाँ होती हैं गार्डन की, तो इतनी 4 बोरियों हमारी ये खाद तैयार हुई है। अब इसको हम डाल के, जो हमारी पॉलीथीन बड़ी बड़ी सी हमारे पास गार्डन में रहती है, इस पर डाल के मैं कम से कम 2-3 दिन तक सुखाऊंगी। सुखाने के बाद में और जो हमारी गार्डन सॉइल जो हमारे फसलों में भरी रखी रहती है, उनमें मिलाने के बाद में थोड़ी सी गोबर की सड़ी खाद मिलाने के बाद, मैं अपनी जो बेड़ लेके आई हूँ, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये मैंने गेंदे की जो बेड़ होती है, बहुत बहुत बड़ा वाला जो हजारा गेंदा होता है, उसकी 20 पौधे लाई हूँ। तो इन पौधों को मैं इसी खाद में और गमलों में लगाऊंगी। और बहुत सारे मैंने गुलदाबरी के कल पौधे जो हमारे कटिंग से तैयार हुए थे, बहुत सारे मैंने लगा भी दिए हैं। और बहुत सारे नीचे हमारे गार्डन में रखे हुए हैं जो तैयार हुए, उनको सबको मुझे लगाना है। आज हमारे पास गार्डन में बहुत काम है, 2-4 दिन जो विंटर सीज़न जब आता है तो बहुत काम हो जाता है। और परचुल्का के जो हमारे जो बास्केट टंगी हुई थी, उनको खाली करके इनको मैं मिट्टी, इनकी मिट्टी निकालने के बाद में इनका जो प्लांट है वह अलग से रख दूंगी। जैसे कि देखिए, हमारे पास बहुत सारे परचुल्का थे, देखिए मैं टायर एक था, टायर को मैंने नहीं खाली किया, इसी टायर में सारे पौधे डाल दिए हैं। जो छोटे छोटे से गमले थे वो मैंने नहीं खाली किए, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है और उनमें ये सब लगे रहेंगे। इस तरीके से मैं खाद सुखाने की तैयार डाल दूंगी, मिट्टी में मिलाने के बाद में खाद गमलों में भर के मैं बेड़ लगाऊंगी। यही आज हमारा वीडियो है, और हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा कि किस तरीके से मैं पौधों को लगाती हूँ। हमारे साथ बहुत सारे पॉट हैं, पॉट को मैंने खाली किया है, इतने ज़्यादा पॉट हैं कि हमारे पास जब हम कोई पेड़ लगाते हैं तो पॉट हमारे पास कम पड़ने लगते हैं, तो उनको मैं अरेंज करना पड़ता है। और रेन लिली के जो पौधे हैं उनको निकाल के बाहर रख दूँगी, जो कभी ख़राब नहीं होंगे, अलग एक कोई किसी पॉलीथीन में रख दूँगी और वो हमारे अगले सीजन के लिए तैयार हो जाएंगे और मेरा काम शुरू होने जा रहा है। आप लास्ट तक प्लीज़ हमारे वीडियो बने रहिएगा। और देखिए, ये खाद लेके आई हूँ मैं अभी, गोबर की सड़ी खाद अभी बिल्कुल लेके आई हूँ, और ये बिल्कुल 2 साल पुरानी खाद है, बिल्कुल भुरभुरी सूखी, ये देखिए बिल्कुल भुरभुरी सूखी खाद है, काली खाद है। काली खाद जो होती है, भुरभुरी होती है, तो समझ लीजिए वो पुरानी खाद है। अभी लेके आई हूँ और मैंने इस पर इस मिट्टी में मिलाई है। देखिए, छोटे छोटे से कीड़े भी हैं, ये पुरानी खाद का की पहचान है, छोटे छोटे से ये कीड़े हो जाते हैं तो वो खाद को भुरभुरी और बिल्कुल बहुत ही अच्छी खाद बना देते हैं। मैंने इसमें सारे गमलों की मिट्टी निकाल के मिट्टी भुरभुरी करने के बाद में इतनी बढ़िया से मैंने मिट्टी बनाई है और इसमें खाद भी मिला ली है। और ये हमारा एक पॉट खाली है, इसमें इसमें 3 प्लांट गेंदे के, और मैं दिखाती हूँ, और इसमें रेन लिली लगा हुआ था, रेन लिली को हटा के एक अलग पॉट में रख दूंगी कि अगले सीजन में काम आएगा। तो इसमें देखिए, मैंने मिट्टी डाली और 3 प्लांट इसमें हमारे तसले में, जो हमारे पास तसला रखा था, इसमें रेन लिली लगा हुआ था, तो इतनी मिट्टी डाल के बाद में मैंने 3 प्लांट ऐसे रखे हैं। अब 3 प्लांट, क्योंकि ये हजारा गेंदा है, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा फूल इसमें आएंगे, और इतने बड़े तसले में एक प्लांट नहीं, 3 प्लांट सबसे बेस्ट रहते हैं, 4-4, 5-5 अंगुल के डिस्टेंस में, आप इधर से भी 4, इधर उधर से भी, सब जगह से हमने लगाए हैं। और इस तरीके से मैं इनमें लगाऊंगी, बहुत सारे पॉट में तैयार करने हैं। हमारे पास 20 पौधों की बेड़ है, 20 पौधे हैं कम से कम। तो जब जब जो है हम कोई प्लांट लगाते हैं तो हमको गमले सबसे पहले अरेंज करने पड़ते हैं, और मैं इनको भी लगाने जा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने लगा दिए हैं पॉलीथीन से बाहर निकाल के,
मैंने तीन प्लांट इसमें लगा दिए हैं और 6-6 इंच के डिस्टेंस पे, इधर से भी 6, इधर से भी 6-8 डिस्टेंस पे अब हमारे प्लांट बड़े होंगे। जब बड़े हो जाएंगे 15-20 दिन के बाद मैं इनकी पिंचिंग शुरू करूँगी और बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग हमारी कम से कम 1.5 महीने के बाद फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी हमारी, 1.5-2 महीने के बाद। और थोड़ा सा जब लेट प्लांट लगाते हैं हम लोग, तब हमारी आगे 3 अप्रैल तक खूब बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग करते रहते गेंदे। और गेंदे के प्लांट जब तक गार्डन में नहीं है तो सोच लीजिए गार्डन हमारा सूखना रहता है। गेंदा गुलाब ही हमारा खूबसूरत प्लांट वाला पौधे, फ्लावर वाला प्लांट होता है। और गेंदा हमारे विंटर सीजन का बहुत ही स्पेशल फ्लावर होता है, जो हमारे फ्लावर जो खूबसूरत हमारे गार्डन को बनाता है। इस तरीके से मैंने एक तसले में आज 3 प्लांट लगाए और अभी हमें गमले बहुत सारे अरेंज करने हैं, उसमें प्लांट लगाती जाऊँगी। मैं आपको लास्ट तक अपने पौधों को, जितने पौधे मैंने लगाए हैं लास्ट तक आपको वीडियो दिखाऊंगी। हमारे वीडियो में आप प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। और 3 प्लांट जो हमारी लंबी ये लंबा गमला है प्लास्टिक का, 3 प्लांट इसमें मैंने रखे हैं। देखिए इस तरीके से 3 प्लांट इसमें 4-4, 5-5 अंगुल के डिस्टेंस पे इस पर नीचे इसलिए रखें क्योंकि हमारा पौधा बड़ा होता चला जाएगा, तब यहाँ तक जब आ जाएगा उसके बाद में पूरा बाहर को खिलेगा। और इसलिए हमें इस लेवल से लगाना चाहिए कि इसकी जड़ यहाँ तक रहे, उसके बाद में हमारा जब प्लांट पूरा खिल के आए, जब फ्लावरिंग दे, तो हमारा प्लांट हिले नहीं हवा में बिल्कुल भी, क्योंकि हवा पानी आंधी सब इनको बर्दाश्त करनी होती है। अगर जो ऊपर ऊपर हम रख देंगे तो पौधा हमारा लंबा होकर टेढ़ा होने लगता है, इसलिए इस तरीके से हमको अपना प्लांट लगाना है। अब में हम मिट्टी भर देंगे। ये 5 प्लांट पिटोनिया के हैं, मैं लेके आई थी और कलरफुल बहुत खूबसूरत पिटोनिया लगती है। और हमारे पास ये 5 गमले हैं हैंगर वाले, जो हम उनको अपने हैंगर कर देते हैं क्योंकि नीचे सपोर्टर भी लगा है और कहीं पे भी हैंगर कर सकते हैं। बहुत ही मजबूत हमारे गमले हैं, 2-3 साल पुराने हैं। इनको भी मैंने पेंट कर दिया है क्योंकि पीले रंग के थे और पीला कलर फेड हो गया था, तो ये प्लास्टिक है, बहुत मजबूत प्लास्टिक है, इसमें कभी भी कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो 5 हमारे पास ये गमले हैं और 5 पिटोनिया के प्लांट हैं अलग अलग कलर के। हमारा रानी कलर का है, ये रेड कलर का है, ये पर्पल कलर का है और एक शेडेड पर्पल है और एक और रेड कलर का है। इतने सारे हमारे पास पिटोनिया के प्लांट हैं, मैं लगाने जा रही हूँ उनको भी। सारी मिट्टी एक साथ मैंने बना ली थी, खाद और बना ली है और इसमें राख भी मिलाई है, राख और गोबर की सड़ी खाद और जो पत्तियों की सड़ी खाद जो मैंने मिलाई है। तो बहुत सारी हमने खाद आपके सामने बना के दिखाई कि मैं किस तरीके से खाद बनाती हूँ। भूरे से खाद बनाएं और बिल्कुल सड़ी मिट्टी, सड़ी खाद डालें जिससे हमारे पौधे बहुत बढ़िया से ग्रोथिंग करते हैं। तो थोड़ी सी मिट्टी पहले हम नीचे डाल लेंगे, फिर हम अपने पौधों को लगाएंगे। मेरा वीडियो, मैं अपने वीडियो को जब भी बनाती हूँ, जब जानकारी देती हूँ कि जैसे मैं अपने पौधों को लगाती हूँ उसी तरीके से मैं अपने वीडियो बनाती रहती हूँ, जिससे आप लोग भी आराम से आसानी से लगा पाएँ। और मैंने 5 प्लांट देखे गमले में लगा दिए हैं। बहुत ही सुंदर हमारे पौधे हैं, बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग हुई है। तो मैं प्राइवेट नर्सरी से लाई थी क्योंकि ये प्राइवेट नर्सरी में बहुत जल्दी फ्लावरिंग, खाद डालने के बाद बहुत जल्दी फ्लावरिंग शुरू कर देते हैं छोटे छोटे से पौधे। विंटर सीजन के बहुत ही खूबसूरत हमारे पिटोनिया फ्लावर्स होते हैं। तो 5 कलर के फ्लावर्स लेके आई हूँ। ये हमें लग रहा है एक जैसे, बिल्कुल सेम समथिंग आ गए एक जैसे। और ये हमारा पर्पल शेड में है, इसमें दो प्लांट हैं, एक डार्क पर्पल है एक हल्का, और ये पिंक कलर का हल्का सा है, हल्का पर्पल। तो इसी तरीके से बहुत सारे 5 प्लांट मैंने लगाए और जो गेंदे लगाए वो आपने देखे। तो इस तरीके से हम सारे प्लांट में लगा के आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इसमें हमने मिट्टी भर दी, अब हम पानी, जब कोई प्लांट लगाते हैं तो पानी जरूर पूरा भर के पानी देना चाहिए जिससे हमारे पौधों को पानी मिल जाए। और 3 प्लांट मैंने इसमें लगाया, हमारे 6 प्लांट मैंने लगा दिए हैं। बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है जब कोई काम करो, और गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत है तभी हमको फल मिल सकता है गार्डनिंग का। जब फ्लावरिंग हम जब मेहनत करेंगे, जब पौधे लगाएंगे, जब हम खाद लाएंगे, खाद मैं लेके आई हूँ और खुद अपने आप में मुझे काम करना अच्छा लगता है। कोई भी माली मैं नहीं लगाती कभी भी, अपने गार्डन की सफाई और पौधों को लगाना, पौधों को हटाना, जो कहाँ से हटाना है, पौधों को साफ़ करना, पौधों को पानी देना, ये सब हमारी हॉबी बन चुकी है। मुझे बहुत ही पसंद है पौधे लगाना। अब मैंने 3 प्लांट इसमें लगाए हैं और 3 प्लांट इसमें लगाए हैं तसले में। अभी हमको केवल छः प्लांट हमारे लगे हैं। हमारे पास 14 प्लांट अभी और हैं क्योंकि हमारे पास 20 प्लांट की बेड़ थी। 14 प्लांट को हमें कहाँ अरेंज करना है, गमले अरेंज करना है,
आप हमारे वीडियो में लास्ट तक प्लीज़ बने रहिएगा। आधी खाद हमने आधी मिट्टी में मिलाई थी, अब हमारे पास ये मिट्टी भी है और आधी खाद, ये वाली जो खाद है आधी अभी और मिलानी है, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी थी और ज़्यादा खाद थी तो एक साथ में कैसे मिला पाती, इसी वजह से आधी खाद भी हम और मिलाएंगे इसमें। खाद बिल्कुल जैसे आटे को मोन डाल मिलाते हैं, इसी तरीके से हमें खाद मिलानी होती है। बढ़िया सी खाद मिल जाएगी, दूसरी मिट्टी आप तैयार करेंगे तो हमारे पौधे में खाद सही अच्छे से मिल जाएगी। हमारे गमले में बढ़िया सी खाद हमारी मिट्टी मिल जाएगी और हमारे पौधे इतनी बढ़िया फ्लावरिंग करेंगे। थोड़ी थोड़ी सी खाद मिला के मैं आगे का प्रोसेस शुरू कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्लांट हैं और उनको आज पूरे समय प्लांट ही लगाने हैं पूरे, क्योंकि बेड़ जब आ जाती है तो मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता कि हमारी बेड़ रखी रहे। इस तरीके से अब इसमें मैं खाद मिलाऊंगी, पूरी खाद मैंने इसमें मिट्टी में पूरी खाद मिला ली है। और मैं छोटे छोटे से प्लांट जो लाई हूँ डायंथस के, वो हमारे पास बास्केट रखी है, इनमें मैंने मिट्टी डाल ली, खाद मिट्टी। अब मैं इसमें डायंथस लगाऊंगी और हमारी मिट्टी खाद तैयार हो गई है। नीचे से प्लांट मैं लेके आती हूँ, क्योंकि मैंने प्लांट जो ख़रीदे थे वो नीचे रखे हैं, गुलदाबदी है, डायंथस है, पिटोनिया है, इनको मैं अभी लगा के आपको दिखाती हूँ। मेरे वीडियो लास्ट तक मेरे वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा, देखते रहिएगा। ये देखिए डायंथस मैं लाई हूँ, 5 प्लांट हमारे डायंथस के हैं, 4 प्लांट, 1 2 3 4 प्लांट डायंथस के हैं। एक हमारा गुलदाबती का है जो बड़े गमले में लगाऊंगी, और डायंथस के लिए हमारे पास ये पॉट हैं जो बिल्कुल सही हैं, और इसमें डायंथस लगा दूंगी। कोल पॉट एक जैसे हमारे पास 2 कोल पॉट हैं, इसमें पेंट करवाया है। और डायंथस प्लांट बहुत ही फ्लावर देखिए नए नए तरीके से, नए नए कलर के होते हैं, बहुत ही खूबसूरत हमारे फ्लावरिंग करते हैं, छोटे छोटे से गुच्छे से भर भर के आते हैं। अभी तो इस पॉली बैग में लगे हैं जो हमारे नर्सरी से हम लाए थे, और ज़मीन में मैं खाद में ट्रांसफ़र, खाद वाले गमलों में ट्रांसफ़र करूँगी खाद मिट्टी में, तब बहुत खूबसूरत से फ्लावरिंग करेंगे। बहुत ही सुंदर हमारा विंटर का फ्लावर होता है डायंथस। और 4 डायंथस देखिए मैंने लगा लिए हैं, और बहुत कायदे से इसको प्लांट को लगाना होता है, पानी दे देंगे। गुलदाबदी जिसको जो पॉट जिसको चाहिए उस पॉट में वो लगाया है। गुलदाबदी को बड़ा पॉट चाहिए तो बड़े पॉट में गुलदाबदी, कम से कम 10 इंच का गमला, 10 इंच के गमले में परफेक्ट गुलदाबदी रहती है। पानी ज़रूर एक बार पूरा गमले भर पानी दे दें, उसके बाद में आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विंटर में पानी रोज़ देने की ज़रूरत नहीं होती। जब आपका पौधा गमला सूख जाए तब पानी दें। और इस तरीके से जैसे ये गमला आपका हमारा सूखा है, बिल्कुल मिट्टी इसमें सूख गई है, ड्राई हो गई है, तो इस तरीके से जब हमारा विंटर सीजन में प्लांट पौधा जब गमला सूखने लगता है, मिट्टी सूखने लगती है, तब पानी दें। और सक्सेसफुली हमने बहुत सारे प्लांट लगाए हैं, अभी हमारे हमको बहुत सारे प्लांट लगाने हैं। और अब मैं अपना वीडियो बंद करती हूँ, आशा है हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसी तरीके से अपने विंटर सीजन के पौधों की तैयारी कर लीजिए, और बहुत ज़्यादा काम हो जाता है समर सीज़न के बाद। विंटर सीजन में पौधों को लगाने का बहुत ही ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि फिर से मिट्टी में खाद मिलानी होती है, और वर्मी कंपोस्ट अगर जो आप मिलाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो गोबर की सड़ी खाद में पहले आप पौधे को लगा दीजिए, उसके बाद में 15-20 दिन के बाद आप DAP खाद दीजिए, जैसा कि अपने वीडियोज़ में बताती रहती हूँ। और अब मैं अपना वीडियो बंद करती हूँ, आशा है मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हमारे लिंक को ज़रूर शेयर करिएगा। और धन्यवाद, थैंक यू, दोबारा से आप लोगों को नमस्कार।